हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आई विकास राज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंग्लिश। फ्रेंड्स, टुडे इज डे 5 ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। एंड फ्रेंड्स, इन दिस सेशन वी विल लर्न हाउ कैन बी स्पीक इन इंग्लिश एंड लर्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और आज है हमारा डे 5। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की? इसमें दोस्तों चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। और दोस्तों, इसका जो अफर्मेटिव है, जो पॉजिटिव वाला है, उसे दोस्तों किस तरह से बनाते हैं, उसका क्या सूत्र होता है? उसका होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब थर्ड और दोस्तों प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है दोस्तों। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेगेटिव में तीसरे नंबर पर नोट आ जाता है। तो किस तरह से होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट, तीसरे नंबर पर आया ना नोट, और प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हो जाता है। और दोस्तों इंटरोगेटिव में होता है, इंटरोगेटिव में दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे शुरू में आ जाती है, बाकी दोस्तों रूल आपका अफर्मेटिव की तरह ही रहता है। जैसे हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से होता है दोस्तों। और हैज या हैव लगाते हैं किस तरह से हैं? तो दोस्तों एक वचन के लिए, यानी कि दोस्तों ही, सी, इट और नेमिंग वर्ड्स के साथ में लगाते हैं हैज। और दोस्तों बहुवचन जैसे आई, वी, यू, दे, इनके साथ में लगाते हैं दोस्तों हैव। तो दोस्तों ये आपका हैज हैव का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं उदाहरण के साथ। जैसे मैं आ चुका हूँ, आई, आई के साथ में हैव कम, दोस्तों कम केम कम, थर्ड फॉर्म इसकी कम होती है। और इसे नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? आई हैव, तीसरे नंबर पर नोट, नोट कम, इस तरह से बनाएंगे दोस्तों। और इंटरोगेटिव किस तरह से बनाएंगे? हैव आई कम, दोस्तों इस तरह से बनाते हैं। अब दोस्तों दूसरा सेंटेंस मैं लेता हूं, तुम पत्र लिख चुके हो, यू, यू के साथ में हैव बहुवचन है, यू हैव रिटन, थर्ड फॉर्म राइट की रिटन होती है लिखने की, रिटन द लेटर, इस तरह से बनेगा दोस्तों। और तुम पत्र नहीं लिख चुके हो, यू हैव नोट, तीसरे नंबर पर नोट, रिटन द लेटर, क्या तुम पत्र लिख चुके हो? हैव यू रिटन द लेटर। और दोस्तों अब कुछ प्रैक्टिस वाले सेंटेंस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देने हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, वह किताब नहीं पढ़ चुकी है, हम खाना खा चुके हैं, क्या वे खाना खा चुके हैं, हमने अपना काम कर लिया है, तुमने अपना काम नहीं किया है, क्या वह यह सामान खरीद चुका है। बस दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। दोस्तों उसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इंग्लिश बोल सकते हैं। दोस्तों ये आपको प्रैक्टिस करते रहना है और आप देखेंगे आप बिल्कुल फटाफट फटाक से इंग्लिश बोलने लगेंगे केवल 90 दिन बाद। 90 दिन से पहले ही दोस्तों, 60 दिन कंप्लीट होने के बाद में आप दोस्तों इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे अच्छे से। और दोस्तों ये आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। और अब हमारा आएगा डे 6। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।